हैं 19 नंबर, हमें इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल दिखाना है। चलिए हम लोग एक एक करके चलते हैं। हम लोग ये वाला टर्म लेते हैं, यहाँ देखिए क्या दिया है, जेड एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का पावर 4 एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4। हमें इसके इक्वल दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें बस कॉलम्स को इधर उधर करना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया C1 को C3 के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, C1 C3 इंटरचेंज करेंगे तो y y स्क्वायर y का पावर 4, x x स्क्वायर x का पावर 4, और यहाँ हो जाएगा z z स्क्वायर z का पावर 4। C1 C3 को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, अभी अगर मैं C1 C2 को इंटरचेंज कर दूँ तो ये वाला आपका आ जाएगा ना। चलिए, तो फिर से मैंने यहाँ C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। तो आपको पता है कि इंटरचेंज करने से साइन चेंज होता है। चलिए, तो फिर ये पहले यहाँ प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, x x स्क्वायर x का पावर 4, y y स्क्वायर y का पावर 4, z z स्क्वायर z का पावर 4। तो यही ना हमें लाना था, ये हमने ला दिया। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया, यानी अब की बार रॉ को इंटरचेंज किया है इसमें। तो चलिए हम लोग रॉ को इंटरचेंज करके ये ला देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको यहाँ भेजा है, इसको यहाँ भेजा है। देख लो, पहले स्क्वायर वाले को, पावर 4 वाले को, और फिर एक्स पावर 1 वाले को। तो एक काम करते हैं हम लोग, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इससे यहाँ साइन चेंज होगा, एक ये आ चुका है, ठीक है, साइन चेंज होगा। अब ये यहाँ आ जाएगा x x y z x y z x का पावर 4 y का पावर 4 z का पावर 4, ठीक है। अब देखिए मैं R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जो प्रूव करना है वहाँ पे देखो x² y² z² है, यहीं पे खाली गड़बड़ है, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, x² y² z² यहाँ पे देखिए x का पावर 4 y का पावर 4 z का पावर 4, x y z, आ गया ना, जो हमें लाना था वो आ गया। चलिए अब देखिए इन, अब इसको किसके इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी के अकॉर्डिंग अभी इसी से प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कि टेकिंग आउट x y z फ्रॉम C1 C2 and C3 रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। तो x y z निकालेंगे, x इसमें से, y इसमें से, z इसमें से। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ x³ और यहाँ पर 1, y y³ 1, z z³ 1। अब चलिए, अच्छा हम लोग आगे देख रहे हैं, वहाँ पे x - y y - z z - x है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ C1 के प्लेस पर C1 - C2 और C2 के प्लेस पर C2 - C3 करते हैं। देखिए अब इससे क्या होगा, x y z, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - y, यहाँ x³ - y³, यहाँ 0, फिर y - z, y³ - z³, 0, z z³ 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं x y z, x - y, इसको a³ - b³ के फॉर्मूले पे लगा देते हैं, x - y (x²) x² + x y + y² यहाँ पे 0। यहाँ देखिए y - z, इसको y³ - z³ पे रखेंगे तो यहाँ y - z (y²) + y z + z², फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे है z z³ 1। चलिए इसमें से कॉमन कर लेते, तो लिखेंगे टेकिंग आउट x माइनस वाई फ्रॉम
सी वन एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम सी टू, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई सी वन से और वाई माइनस जेड सी टू से। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जीरो, वन वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर जीरो, फिर यहाँ जेड जेड क्यूब वन। चलिए फिर से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि सी वन के प्लेस पर सी वन माइनस सी टू। अब इससे क्या फायदा, देखो अब हम लोग यहाँ पे जेड माइनस एक्स निकालने के लिए ऐसा करेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड। अब देखिए सी वन के प्लेस पर सी वन माइनस सी टू करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। मैं यहाँ पे आपको फैक्टर करके भी दिखा देता हूँ साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अच्छा ये यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हट जाएगा ना, यहाँ पे आगे बचेगा माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम लोग इसको और इसको एक साथ करते हैं, माइनस का वाई जेड प्लस का एक्स वाई और इन दोनों को एक साथ, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस का वाई कॉमन करेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो यहाँ माइनस वाई इंटू में जेड माइनस एक्स, और इसको माइनस प्लस में लिख सकते हैं ना, जेड माइनस एक्स इंटू में जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स को कॉमन कर लेते हैं और माइनस भी, तो माइनस का जेड माइनस एक्स कॉमन करेंगे, यहाँ प्लस का वाई प्लस का जेड प्लस का एक्स बचेगा, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का जेड, ठीक है, इंटू में सॉरी माइनस का जेड माइनस एक्स, सॉरी मैंने देखा नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ना बचेगा। चलिए अब यहाँ पे जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट, जीरो यहाँ, वन वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर जीरो, जेड जेड क्यूब वन। चलिए अब इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग आउट जेड माइनस एक्स फ्रॉम सी वन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स, ठीक है, जीरो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, वन वन वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर जीरो, जेड जेड क्यूब वन, ये ना हो जाएगा। चलिए अब एक्सपेंड कर देते हैं इसे, तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन ले ले, चलिए ठीक है सी वन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में देने की क्या जरूरत है, एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा फिर देखिए इसको लेंगे, यही ना सिर्फ है इसमें, बाकी सब तो जीरो है, तो ये प्लस का कर देंगे ना, क्योंकि ये माइनस का होता है और एक यहाँ माइनस है तो प्लस लिख देंगे। चलिए यहाँ देखिए ये रो और ये कॉलम हटेंगे, यहाँ वन जेड जीरो वन आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखिए वन माइनस जीरो तो ये आपका वन हो जाएगा। चलिए एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स इंटू में आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ गए, यही ना हमें प्रूव करना था, RHS हमारा आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12।